तिशु आ गया, सेब बचा हुआ चूरा खा रहा हो, जा घर को जा। संकट जाने लगी, नितिन के स्वागत में, नितिन का स्वागत करती रही चिंकी यहाँ पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे आज के न्यू ब्लॉग पर। और आप सबको हमारा नमस्कार, प्रणाम, पहला कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे, और हम भी बढ़िया है। एंड दिन की शुरुआत मेरी हो चुकी है, आज मैं बहुत जल्दी उठ गए थे 8 बजे। मैं ऐसे कह रही हूँ बस, तो आज जैसे उठ के बस एक पूजा वगैरह हुई, कपड़े वगैरह धुल रहे हैं, और बाकी की ब्लॉग काकी को आप देखते रहिए मेरे साथ। तो चलो मैं अपने बाकी काम करती हूँ, और जब बब्बू उड़ जाएंगे तो फिर मिलती हूँ आपसे, या फिर उससे पहले भी मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चले भाई करते हैं काम धाम, दंड भेजते हैं। इतनी ठंड हो रही ना, अभी तक धूप, मतलब मैं जल्दी उठ गया, धूप अंदर नहीं आई, नहीं तो 10 बजे ना धूप आ जाती है अंदर। तो अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, यहाँ पे जे रखो है मारो ब्रेकफास्ट, और मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, अंदर कपड़े धुल रहे, फिर कपड़े डाल देते, फिर छत में जाएंगे हाँ धूप से बिना। चलो भाई कपड़े भी बंदर को भी धूप भी सीखते हैं छत में, और कपड़े भी सुखा डाल देते हैं। तिशु आ गया, सेब बचा हुआ चूरा खा रहा हो, जा घर को जा। तिशु का सेब मत खा यार तू। अच्छा बबू रुको तो सही, बबू स्मार्ट लुक तो दिखाओ, भाग क्यों रहे हो, थोड़ी गर्मी छाई है इनको, देखो जरा लोग जैकेट में घूम रहे हैं, और इनको भी है हीरो गर्दी छा रही है लोगों को। तो चलिए अभी हम निकल रहे हैं मार्केट को, और चावल काम तो क्या है, छोटा मोटा काम ही है मेरा भी, ये तो अभी उठे खाना ना खा के अब सीधे जा रहे हैं धाम। इतना बढ़िया लग रहा गाँव में, कितने क्या जानू, मना नहीं करो। मेरे ब्लाउज का काम भी हो गया, लाओ अब चलते घर को। कितना कंजून कन्फ्यूज कर दे रहे भैया इनको, क्यों बता दे रहे हो कन्फ्यूज क्या करना, उल्टे हाथ के तो फिर सीधे लाओ, मेरा ब्लाउज काम हो गया, कुछ नहीं करो आप, चलते हो अभी तो कुछ लेना नहीं है ना, ये तो चाची का सुनना, मार्केट से थोड़ा कुछ लेना, अब सीधे सीधे चाची के बन गया खाने के लिए आगे हम। इतने जल्दी आते सबसे पहले इसी को आना होता है। संकट हो जाने लगी, नितिन के स्वागत में, नितिन का स्वागत करती रही चिंकी यहाँ पे। ये बाप रे, चला चाची ए मैंने कभी जाते हैं मार्केट से ही। चिंकी ये लोग भी ऐसे हो गए, कुछ नहीं पूछते हैं, ये लोग भी ऐसे नहीं पूछे, अभी सोच ही रही थी, इनके ऑफिस वाले पूछने का मौका नहीं देते है? हमारा तो फिर दिन में काम हम के चक्कर में, फिर मोहल्ले में सब बच्चे वो इकट्ठे हो जाते हैं, फिर ऐसे टाइम नहीं होता। सैटरडे संडे तक जाएंगे, संडे को आई चिंकुड़ी। चलो भाई घर को निकल लो पतली गली से, क्या बताओ याद कर लेना, आपको दिलाना तो नहीं पड़ेगा, ये कह रही हूँ मैं। चलो भाई कैसे लगे, लवा लम्बाट ठंडा लग गया होगा ना बाजार में, सच्ची बोलो। सो जाओ ना फिर, ऑफिस वाले तुम्हारे सरप्राइज ऐसा देते रहते, तुझे कैमरा खराब हो रहा लगा मोबाइल का, ब्लर आ रहा ब्लर। मैं पहुँच चुकी हूँ घर के पास, और मैं तो जाऊँगी गपदप्पा लगने के लिए छत पे, ये दिन का तो काम स्टार्ट हो जाएगा अभी ऑफिस का। अभी मार्केट से भी आ गई हूँ मैं, बाकी सामान भी सोचते हैं क्या करना है, पैकिंग बुकिंग का। चलो फिर मिलते हैं घर पहुँच के, चैन से सत में जूप भी नहीं सीखने देते बंदर, डर के मारे बैठना पड़ जा रहा बार बार। बाकी कपड़े जो धोए थे मैंने खैर यहाँ पे फोल्ड करके रख दिए है, मेरी आवाज़ तो आएगी नहीं, बच्चों कितना हल्ला मचा रखा है, बहुत ज़्यादा ना बंदर सुन देते ना बच्चे सुन दे रहे।
छत पे मैंने दिस्सू बैठा रखी, मैंने दिस्सू के लगा रखा तो मैंने कभी दर्द नहीं मैंने कहा नितिन की मीटिंग खत्म होगी फिर दिखाऊंगी मैं इसको दिस्सू, मेरे पास भाव रखी यहाँ से करके आंटी यहाँ से दिखाती इसको, यहाँ से दिख रहा है क्या आंटी? जाओ तुम नीचे जाओ, आप दो जने जाओ। बेबी देख, बेबी आया ना, कहाँ है वो देख, जा बेबी से मिल क्या, जा बेबी से मिल क्या, बेबी कहा बेबी ये देख, ये। नहीं क्या बेबी के कपड़े है वो? अब नहीं, अब मीरा हो गया है, अब मीना है वो, मीना है वो। रुक बेबी कैसे लगी? अजी नखरों गए की गरम हो रहा, गरम हो रहा, ठंडा हो रहा, टोपी पहनाई ना मेरी जैती याद नहीं, मतलब पहली इसके पल के गायब हो गए, भुंडे हो गए। ये गिरता है कितनी बार, हाँ कभी दिशु के साथ गिरना नहीं हुआ, उसको दूध भी पिलाती है सब। ये बेबी छोड़ते रहती है उसको सर को, फिर बोलती है इसको लग गई। क्यों मेरे हाथ में तो सामान हो रहा देखा, फिर भी ब्लॉगिंग करना नहीं छोड़ती बब्बू। मैं बब्बू क्या बना रहे, बब्बू क्या बना रहे? मेरे हाथ पे सामान इतना कि मैं वहाँ देख भी नहीं पा रही क्या है। मूंगफली फ्राई हो रही है, भुना जाना फिर नहीं तो हो गया। चाय भी रख दो यार, चलो चाय रख दो बाबा। अपनी देर तो चल रही आपकी है, तेरे नाल मरांगे। हाँ जी तो क्या ही कहे, अभी फिर से हमें दिल्ली वापस जाना है। हाय दिमाग ख़राब हो गया मेरा तो कसम से, कभी सामान लाओ कभी सामान रखो, कभी ये करो कभी वो करो, और अब देखो फिर से घर का जितना समेटो उतना बुरा हाल होता रहता। अभी हमारी पैकिंग हो गई, इसमें आधी पैकिंग हुई है, आधा बैग वो रखा हुआ भी एक, और अभी सारा बिखरा पड़ा हुआ सामान सारा इधर से उधर, क्योंकि क्या ले जाए क्या रखे ये कुछ अभी हमारा कन्फर्म ही नहीं हो पा रहा है, और ना ही जाने का प्रॉपरली कुछ कन्फर्म हो रहा है। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये 7:30 हो चुका है, मेरा भी सामान थोड़ा पैकिंग मैंने इस कट्टे में भर लिया है। नितिन मेरी मजाक बना रही कि कट्टा ले जाएगा कौन, मैंने कहा पहले भर दो देते फिर देखी जाएगी कौन ले जाएगा कौन नहीं। और सारा बर्तन बर्तन सब अभी ऐसे पड़ा है, मैंने ना खाना बनाया है ना आटा गूंथा हुआ है, कुछ भी नहीं किया हुआ है। और पता नहीं शोल्डर में इतना पेन हो रहा है ना, जैसे कि मैंने पता नहीं बहुत ज़्यादा नेक और बैक साइड शोल्डर बहुत पेन कर रहा है बहुत ज़्यादा। अभी काम तो शुरू हुआ है, पता नहीं कब तक कंप्लीट होगा, शायद रात भी लग सकती है मुझे इसको करने में, जागरण ही करना पड़ेगा फिर तो आज मुझे। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं समाप्त, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे। सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, तब तक के लिए बाय बाय।